जो बड़े बड़े साहूकार होते हैं उनके घर में सैकड़ों दास दासियां होते हैं। टाटा और बिरला को देखो, उनके नीचे कितने दास दासियां काम करते हैं। उंगली उठाई और उठा के नहीं आया, गेट आउट। तो उनका मर्तबा कोई कम होता है क्या? इसलिए बोला मुरली में कि सरेंडर होने के बाद वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार अगर न बने तो दास दासी बनते रहेंगे। इससे क्या फायदा हुआ?
कोई तो दास दासी बनते हैं राज परिवार के, कोई फिर राज परिवार को छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो प्रजा के दास दासी बनते रहते हैं, तो क्या फायदा हुआ? आँखों में से जो रोशनी निकलती है, जब शरीर छूट जाता है तो आँखों से रोशनी निकलना बंद हो जाती है, तो ज्योति स्वरूप है आत्मा या नहीं है? आँखों से जो ज्योति निकलती है वो आत्मा की ही ज्योति हुई ना? शनि को खारा दिखाते हैं ना, शनि ग्रह को, और बड़े रूप में दिखाते हैं, तो क्या शनि को खारा रूप में दिखाते हैं ना, और बड़े रूप में दिखाते हैं, उसका पार जो जिस तरह बोलता है जिस अहंकार से, वो अहंकार क्या साबित करता है? देह अभिमान ज्यादा है इसलिए बड़ा दिखाते हैं। जो भी राक्षसी संप्रदाय है वो बहुत ऊंचा बोलते हैं, है शनिदेव की पूजा भी शनिदेव जैसे ही करेंगे, सब थोड़े ही करेंगे। टीवी के चित्र में दिखाते हैं देवियों के मूर्तियों को सागर में डूबो रहे, माना ऐसा बीज रूप में भी होता है? जो बीज रूप में नहीं होगा वो आधार मूर्त में भी नहीं होगा, जो आधार मूर्त में नहीं होगा वो दुनिया में भी नहीं होगा। तो हमारे वो लोग कहते हैं, हम कदम कदम श्रीमंत लेते हैं, हर बार पूछा जाता है, कौन कहते हैं वो लोग कहते हैं वो माने कौन? एडवांस पार्टी वाले कहते हैं। तो एडवांस पार्टी वाले एक ही जैसे हैं या सब अलग अलग हैं? फिर जो अलग अलग धर्मों के जो सूर्यवंशी नहीं है वो डूबोए जाएंगे या सूर्यवंशी भी डूब जाएंगे? नई दुनिया कहाँ से आएगी? बाबा ही निमित्त बनाता है ना उन लोगों को, तो बाबा निमित्त बनाता है। बाबा ने तुमको भी बनाया, वो जैसे मुसलमान कहते अल्लाह मियाँ ने सितारे बनाए, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, ये अल्लाह मियाँ सब करता है। मगर बाबा एक चीज में कहा है, बाप बच्चों की हर बात जानता है मगर बताना नहीं चाहता है, तो क्यों बताए? तो फिर बाबा जान कर रहे हैं, बाबा जानता है तभी तो कहा ना? जानता है लेकिन अगर उनके मुख के सामने बता दिया जाए तो डाउन नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप समझेंगे हमारे अंदर कमजोरी है। तो हम लोग को डुबाना नहीं चाहिए ना बीच का, ये बताने से डुबोना हो जाता है। बाबा को पालन कर बाबा का कांटेक्ट रेगुलर रहता है ना? कांटेक्ट आत्माओं को रखना है या बाबा को रखना है 500 करोड़ के साथ? बाबा को फॉलो करते पूरा, बाबा को फॉलो करते हैं। बाबा को, बाबा के भी तो दो रूप हैं, एक ब्रह्मा का रूप है और एक बाप का रूप है, किसको फॉलो किस रूप में करना है? बाप को डायरेक्शन के रूप में फॉलो करना है और माँ को प्रैक्टिकल कर्मों में फॉलो करना है, ये क्यों भूल जाते हैं? और ब्रह्मा की बुद्धि में अभी क्यों नहीं बढ़ता है? तो गीता की भगवान बाप है शिव बाबा, ब्रह्मा को देवी कहते हैं। देवी पर की समय कब तक चलता है? और जितनी भी 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है उनके मुकाबले सबसे बड़ा महात्मा बच्चा है, देवी बुद्धि है, तिकड़मी बुद्धि नहीं है, सच्चा साफ दिल बच्चा है लेकिन देवी बुद्धि है। 63 जन्म से जिसकी बुद्धि में ये बैठता चला आया हो कि गीता का भगवान कृष्ण है, एकदम कैसे खत्म हो जाएगा? और आत्माएं तो नहीं है, एक ही आत्मा है। तो 63 जन्म का जो चढ़ा हुआ है हिसाब किताब बुद्धि में, उसे निकलने में टाइम तो लगेगा।
कहा जाता है एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु, फिर ये 70 साल किस किस खाते में चले गए। भावना ये है कि सचयुग में जाके मैं बच्चा बनूंगा, आखिर किसका बच्चा बनूंगा? बाप का बच्चा बनूंगा, आखिर तो मुझे इसी से ही जन्म लेना है, तो सहयोगी तो बनेगा ना बच्चा, एंड फ्रेंड्स कंपनी तो तैयार होगी ना। लेकिन जो खास बात है वो और कुछ नहीं है बाबा, रजिस्टर में जो मम्मा बाबा लिखा जाता है वो मम्मा किन के लिए लिखा जाता है, बेटम्बा के लिए या छोटी माँ के लिए, सूर्यवंशी उनकी माँ जो प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही है, आत्मा के लिए लिखा जाना चाहिए या शरीर के लिए लिखा जाना चाहिए? आत्मा को कैसा शरीर से ही होती है और शरीर का भी एक नाम होता है मम्मा। तो वो ही पूछा कि सारे सृष्टि की जगदम्बा है, सारे जगत की अम्बा है या सूर्यवंशियों की अम्बा है? सारे जगत की अम्बा, तो वो कौन हो सकती है? जैसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, तो उसमें पहला नाम किसका है बाद में? तो छोटे बड़े का हिसाब हो गया ना, ऐसे ही मम्मा पहले लिखा जाते हैं, बाबा बाद में। माताओं को आगे बढ़ाने के लिए माने वो मम्मा को ब्रह्मा, वो जब तक उसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा तब तक किसी की भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। ब्रह्मा की आत्मा आगे बढ़े तो ब्रह्मा की नवैया भी आगे बढ़े, और नवैया भी डूब नहीं सकती, हिलती डुलती रहेगी। लोग समझेंगे गई कि गई, अब तो खेल खलास होने वाला है, लेकिन आखिरी विजय होगी। इसका अर्थ यह है उनको ज्ञान का अहंकार रहता है, और रामकृष्ण वाली आत्माओं को ज्ञान का अहंकार नहीं रहता, उनको सदैव बुद्धि में रहता है कि ज्ञान हमको किससे मिला है? शिव बाप से मिला है। जो चीज हमको असली मिली है वो शिव बाप की है, हमारी नहीं है। अगर हमारी होती तो 63 जन्म में भी हमने कुछ करिश्मा करके दिखाया होता, लेकिन जो और राक्षसी जानवरियत के अवतार हैं वो ज्ञान को अपना समझ लेते हैं, ज्ञान के अहंकार में आ जाते हैं, और अहंकार में आकर के दूसरी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए वो जानवरियत के अवतार हैं। ज्ञान का आधार लेते हैं, कन्याओं माताओं का तिरस्कार करते हैं, जबकि कन्याएं माताएं ही ज्ञान को धारण कर सकती हैं। पुरुष ज्ञान को धारण करके संसार में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। सदगति होता है ना बाबा, बुद्धि का सदगति होता है ना, सदगति होती है। अब फिर सदगति हो नहीं पा रहे, कारण क्या है? माना धीरे उधर मनुआ धीरे उधर, ये बेकार है गीत गाना है। बाप जो धीरज दिलाते हैं, धीरे उधर मनुआ धीरे उधर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। अब ये टूटने लगा है बांध, क्या धीरज का बांध टूट गया, ये मतलब है? नहीं टूटा है, फिर क्यों पूछते हैं? अभी 70 साल ही तो हुए हैं, 100 साल तो नहीं हुए,
और और ऐसा भी नहीं है कि कोई की सदगति हुई ही नहीं है। क्लास में 50 बच्चे हैं पढ़ने वाले और 50 में से एक फर्स्ट क्लास का पास होता है और 49 फेल हो जाते हैं, तो क्या टीचर को बेवकूफ कहा जाएगा? टीचर को बेवकूफ नहीं कहा जा सकता। अगर 49 ने पढ़ाई को धारण नहीं किया तो टीचर की इसमें क्या गलती? ऐसे ही बाप तो आया है सदगति करने, लेकिन सबकी बुद्धि की सदगति नहीं हुई है, इसमें बाप का क्या दोष? अगर एक की बुद्धि की भी सदगति हुई है तो इससे साबित होता है कि बाप का काम बरकरार चालू रहे, चल रहा है। आज नहीं तो कल सदगति हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं होता कि टीचर ऐसे समझाए तो 24 सब समझ जाए, वहाँ जो भी पढ़ने वाले हैं सब समझ जाए। और बुद्धि में डल होते हैं, बुद्धि बुद्धि का वरदान जन्म से मिलता है। हर आत्मा जन्म से भगवान की दात कही जाती है बुद्धि, लेकिन वास्तव में भगवान एक एक को बुद्धि की दात नहीं देता। पूर्व जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को बुद्धि की दात मिलती है, हर एक को अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली हुई है। बुद्धि रूपी धरणी हर एक की एक जैसी है या अलग अलग है? हाँ, टीचर समझता है कि इनकी बुद्धि अलग अलग प्रकार की है। नीचे वाला नीचे ही रहेगा फिर, है ना, उनके उठाने के लिए। हाँ, उनके उठाने के लिए समझाता है। अगर सारे ही लक्ष्मी नारायण बन जाए, बाप कोई पार्टी नहीं रखता है, ये भी कहा था ना। क्यों रखे पार्टी के लिए? बाप ने तो आकर के सुना दिया, दोनों को ही लक्ष्मी नारायण बना रहा है बाकी को। दोनों को ही लक्ष्मी नारायण बना रहा है बाकी को, सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो क्या? हाँ, दोनों को ही बनाना चाह रहा था। वो चाहता है ये कोई साबित नहीं कर सकता कि बाप सिर्फ दो को ही लक्ष्मी नारायण बनाना चाहता है औरों को नहीं बनाना चाहता। 40 वर्ष तक ये कोई साबित नहीं कर सकता। 40 वर्ष के बाद ये कहा जा सकता है कि दो लक्ष्मी नारायण बने और बाकी उस स्टेज तक नहीं पहुँचे। पुरुषार्थ करना अलग चीज है ना, जो समझेगा नहीं वो पुरुषार्थ कैसे करेगा? समझ देने के बाद वो लक्ष्य नहीं रखता है कि पुरुषार्थ करें तो उनको छोड़ दे सकते हैं, पर जब तक छोड़ दिया ना, पर जब तक वो समझे जैसा समझा सकते हैं। ये अगर मगर कहाँ से आएगा? अगर समझे तो ऐसा, मगर ना समझे तो वैसा। वो समझ जैसे समझा सकते हैं ना टीचर, ऐसा समझा सकता है कि वो समझ जाए। क्यों बात कर रहा है? बाद में वो करे ना कि ना करे, तो वो तो हो रहा है। समझाने वाला समझा रहा है, सुनाने वाला सुना रहा है, न सुनने वाले नहीं सुन रहे, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं, न समझने वाले नहीं समझ रहे, एक समझते हैं फिर समझते हुए भी नहीं समझते, क्या किया जाए इसमें? बुद्धि के आधार से समझ सकता है, बुद्धि को क्यों मंत्र कार्य कर दिया जाए? बुद्धि के आधार से समझ सकता है, बुद्धि के आधार से उनको समझा सकता है, आधार से ही समझ रहे हैं ना। बाबा, देवता ये पूछ पकड़ के चलते हैं और असुर मुख पकड़ते हैं, मतलब इस मुरली में एथिकल में देखने में आ रहा है ना, मुरली में ऐसा कहा है, मुरली में ऐसा कहा है, और शास्त्र अभी तो भगवान रखता ही नहीं है, पति तो मनुष्य उन्हें शास्त्र अभी रखा है, तो फिर परमात्मा भाव से हम बात कर रहे हैं तो फिर बिना अविनाशी ज्ञान मुरलियों के पास उठाने चाहिए, शास्त्रों की बात उठाने चाहिए। शास्त्र जो है उन्होंने बता दिया
कि द्वापर के आदि में शास्त्रों में भी सच्चाई थी, क्योंकि द्वापर के आदि में सात्विकता थी, शास्त्र भी सत्व प्रधान थे। एक मिनट, तो द्वापर का आदि जो है वो सत्व प्रधान शास्त्र होने की वजह से सच्चाई उनमें ज्यादा थी, और बाद में मनुष्य ज्यादा ज्यादा ज्यो ज्यो विकारी होता गया उन शास्त्रों के इंटरप्रिटेशन खराब होते गए। इसलिए बोला है अभी शास्त्रों में आटे में नमक मिश्रण सच्चाई, तो जो नमक मिश्रण सच्चाई है वो ही बाप बताते हैं, सारी बात नहीं उठाते हैं। मुरलियों में शास्त्रों की भी तो बातें आती हैं, तो जो शास्त्रों की सच्चाई है वो मुरलियों में आती है। हाँ जी, किसको तो आप ही बात उठा रहे हैं, कौन उठा रहा है? आप कह रहे हैं कि जो मुंह पकड़ते हैं वो असुर है, जो पूंछ पकड़ते हैं वो देवता है। पूंछ पकड़ना माने पीछे पीछे चलना, फॉलो करना, और मुख पकड़ना माने ऐसे क्यों कहा, उस मुरली में ऐसे कहा, उस मुरली में ऐसे कहा, ऐसे कैसे हो गया? आप जो समझ रहे हैं वो कहाँ तक सही है? बाबा से व्यक्त नहीं करेंगे तो हम कैसे समझाएंगे? बाबा हम कैसे समझ पाए? बाबा कहाँ मना कर रहे हैं? बाबा तो आए ही हैं असुरों को क्या बनाने के लिए, तो बाबा क्यों मना करेंगे? 2012 में बॉम्बे में चला, ऐसा कहा गया? वही ऐसा कहते हैं बाबा से, मुंह पकड़ने वाली बातें हैं तो मुंह पकड़ने, बाबा कहते जब तुम ज्ञान में नहीं आए थे, बेसिक में नहीं आए थे, सब कुछ जानते थे, अभी एडवांस में आ गए हो, जब एडवांस में नहीं आए थे तो बेसिक नॉलेज की बातें, वो एडवांस की बातें कुछ जानते थे, पहले तुम कुछ भी नहीं जानते थे। एडवांस में बेसिक में आने के बाद तुमने बोलना शुरू कर दिया। बाप कहते मैं तो खुद ही आकर के सारी पढ़ाई पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम्हारे में तसल्ली नहीं है, धैर्य नहीं है। तो धैर्य किस में होता है और किस में नहीं होता है? जो निश्चय बुद्धि होंगे वो धैर्य धारण करके चलेंगे, बाप आया है तो जरूर हमको पार लगाएगा, सारी दुनिया को पार लगाएगा, तो हमको छोड़ देगा क्या? छोड़ेगा नहीं। तो जब तसल्ली नहीं है तो बाप कहते हैं अच्छा, जो कल पूछना चाहते हो तो आज पूछ काट दो, पूछ कटे तो अच्छा है ना, पूछ पूछ की पूछ लगी रहे तो प्रश्नचित्त कहा जाएगा या प्रसन्न चित्त कहा जाएगा? वो बात बार बार दिमाग में अटकती रहेगी, पुरुषार्थ को क्षीण करेगी। ये भी कहा है ना, बंदर को ही मैं मंदिर लायक बनाता हूँ, बंदर को मंदिर लायक बनाता हूँ। बाबा हम जो समझ रहे हैं वो बाबा के प्लान पे कर लेना चाहिए ना, क्योंकि बाबा कहना मना कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जो बाबा से पूछते भी नहीं, दूसरे तीसरे को पूछते हैं, क्योंकि उन लोगों को पकड़े पकड़ के चंद्र क्या। जो बाबा से डायरेक्ट नहीं पूछते हैं वो तो और भी ज्यादा खराब, बाबा से नहीं पूछते हैं आस पास में और दूसरों से पूछते हैं, और वाइब्रेशन दूसरों का खराब करते हैं, दूसरों का माथा खराब करते हैं, तो वो तो और खराब बात हो गई। कोई उनसे प्रभावित हो जाएगा तो उनकी प्रजा बन जाएगा, क्योंकि बात तो क्लियर हुई नहीं। जो पूछते बाबा से पूछते हैं वो भी पोता मेल ही हुआ था बाबा, पोता मेल तो गुप्त रखा जाता है, पोता मेल नहीं कहते उसे, पोता मेल वो है जो दबा के रखा जाए, बाबा जाने हम जाने और कोई न जाने। ऐसा भी कहने है ना, साकार है, वाइब्रेशन से चेहरे से चलन से पहचान करता है, निराकार है, अंतर है, तब भी बाबा पहचान सकते हैं ना, इस मतलब से उसके अंदर क्या है बाबा जान नहीं सकते। हम जिसको बाबा कहते हैं वो शिव बाबा है ना, शंकर बाबा तो नहीं है, तो वो तो अंतर्यामी है, है? और क्लैरिफाई कर लेना, अच्छी बात है ना। अच्छा, हम मना कर रहे हैं, बाबा तो कहते हैं और धर्म गुरुओं के पास तो तुम्हें श्रेष्ठ जन्म चांस ही नहीं मिला, और ब्राह्मणों की दुनिया में बेस
संभावना ही नहीं हुई, अभी ये चांस मिलता है। बाबा ने एक मुरली ने भी कहा है, वो गुरु लोग तुमको दावा पूछने से मना कर देंगे, बाबा तो बड़ी दावा में भी तुमसे जवाब देगा। ऐसा भी बाबा ने दावा किया, क्योंकि तब आपको पूछना चाहिए ना बाबा, मना कहाँ कर रही है। तुम्हारा दिल खा रहा है क्या? प्रचार चल रहा है, मैं अपनी भावना में बाबा के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। बाबा राम वाली व्यक्ति को व्यक्तित्व को कभी संचय आता ही नहीं है, राम वाली व्यक्तित्व को कभी संचय आता ही नहीं, मतलब अनिश्चय नहीं, अनिश्चय कुछ नहीं करता, निश्चय बुद्धि होकर नहीं कहता, अनिश्चय आया मतलब मृत्यु हुआ। जब वो पृथ्वीराज चौहान बनता है, छत्रपति शिवाजी बनता है, हैदर अली बनता है, तो फिर पृथ्वीराज चौहान का तो आंकलित खोल दिया गया, मैंने उनको तो कोई निमित्त नहीं बनना चाहिए ना दंड लेने के लिए, पृथ्वीराज चौहान की आंख के दिखा दी और राजा अली को धोखे से मार दिया गया। तो फिर बाबा ये भी कहते हैं, मैं जिस दल में प्रवेश करता हूँ अगर वो कुछ गलती करे तो उनका जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर उनको दंड देने के लिए कोई निमित्त नहीं बनना चाहिए ना। मैंने तेसर जन्म में कोई सजा नहीं खानी चाहिए? तेसर जन्म में जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उन लड़ाइयों में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। हाँ वो सब सहज ही होता है, चाहे गर्दन कट जाए, चाहे आंखें फूट जाए, चाहे कान कट जाए, चाहे टांग कट जाए, चाहे हैदर अली बन जाए, वो सब सहज ही सहज है। अगर अगर मन के अंदर कोई यंत्रणा पैदा होती है तो कठिन है। और पृथ्वीराज चौहान तो सत्यवादी था, उनका जन्म से ही देश की संघर्ष में ही लगा रही, तो फिर उनका ऐसा दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना बेटा, उनको आगे निकालेंगे। क्यों? जब शूटिंग पीरियड होता है तो सांप चौथे अवस्था में, जब चौथी बार शूटिंग पीरियड पूरा होता है तो सांप अंधा नहीं होता है? सांप का मिसाल किस लिए दिया गया? माया किसी को छोड़ती है क्या? जब पूरा पतित पने का ग्रहण लगता है तब बाप आकर के चोटी पकड़ के उठाते हैं। उठाने के बाद ही ये साउथ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हर युग में उतरती कला और हर युग में चढ़ती कला। संगम युग में पहला ब्राह्मण, सतयुग में पहला देवता, त्रेता में पहला क्षत्रिय, द्वापर में पहला वैश्य, कलयुग में पहला शूद्र उसे बनना है। पहला शूद्र जो है वो विभिचारी जो पहले बने तो पहला शूद्र अति का राम वाली आत्मा सबसे बड़ा राजा है ना दुनिया का, तो राजाएं तो कलयुग में आकर के विभिचारी बन जाते हैं, तो शुरुआत कौन करेगा? अच्छा ओम राधे मम्मा माने छोटी मत में हाँ बीच में आई बीच में चली गई। हाँ बीच में आई माना 14 साल की आई थी, उस समय सिंध हैदराबाद में आना हुआ, कलकत्ते में आना नहीं हुआ उनका, तो बीच में आई और ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने से पहले ही चली गई। हाँ वो सरस्वती का पार्ट हुआ, उनको जगदम्बा का टाइटल मिला, माना जो यज्ञ माता थी वो चली गई, उसका टाइटल जगदम्बा का उन्हें मिल गया।
तो एडवांस पार्टी में वो पार्ट जारी कौन बीजेपी वो पार्ट को एकदम भाई ना अच्छा वो साल कौन सा होता है साल का नाम नरेंद्र बाबू ही तेरा भी बाबा अभी छोटी माँ और चंदम्बा आई तो उनको भी कोटा में देना हाँ छोटी माँ और जगदम्बा आई तो उन दोनों को भी कोटा में देना पड़ेगा क्या बाबा कोटा में होगा तो देना पड़ेगा होगा ही नहीं तो क्या देना पड़ेगा हैं 500 करोड़ दुनिया के पत्ते हैं सब एक जैसे होते हैं क्या अरे तो अपनी बात बोल रहे हैं कि जैसे हम हैं वैसे सब होते होंगे ऐसा तो नहीं है सब परसेंटेज में है तो परसेंटेज में कोई परफेक्ट भी होता होगा कि नहीं होता होगा है नंबर 12 है तो उनमें कोई 100% भी होगा कि नहीं होगा होगा कोताबिल की बात ही खत्म हो जाती लिखते पत्र देने की बात अलग है वो तो समझ की बात है बुद्धि से समझ लिया तो लिखे पत्र चाहिए की बात नहीं होती है जो जितना आत्म की स्थिति में स्थित रहता है बिंदु के स्टेज में अपनी आत्मा को समझता है जितना सार में टिकता है उतना विस्तार अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है और उसके लिए चाहिए ईश्वरीय सेवा जितना सेवा में बिजी रहेंगे बुद्धि चलती रहेगी सेवा में बिजी नहीं रहेंगे बुद्धि नहीं चलेगी ज्ञान के पॉइंट से ऊपर विचार का मतलब चलना चाहिए तभी चलेगा जब हम आत्म की स्थिति में स्थित होंगे अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियाँ लिखी है इसका मतलब रामायण है भागवत है महाभारत है ये जो लिखने वाले हैं वो ही लोग हैं जिन्होंने अपनी कथा कहानी संगम युग में बनाई है उस बात से उनके जन्म ही साबित हो जाते हैं द्वापर युग में वाल्मीकि कौन हुआ राम वाली आत्मा कलयुग में आकर के तुलसीदास कौन हुआ राम वाली आत्मा अपनी अपनी कथा कहानी लिखी है बैठकर आत्मा जितना जिम्मेदारियों का साथ निभाएंगे उतना ही द्वापर कलयुग में उतनी बड़ी जिम्मेदारी बड़े बड़े राजा ही बनेंगे हमारे यहाँ तो भाइयों को तो कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती है भाइयों को कोई जिम्मेदारी नहीं मिलती भाइयों को जिम्मेदारी नहीं है कन्या माताओं की सुरक्षा करें कोई जिम्मेवारी नहीं हम भूल गए हमको याद ही नहीं है ये बात तो याद ही नहीं सबसे बड़ी जिम्मेवारी है भाइयों की भाइयों को गाइड बन करके रहना है गार्ड बन करके रहना है गाइड नहीं बनना है गाइड तो युवा है हाँ ये टाइटल तो मिला गया है ना दुर्योधन दुशासन टाइटल हर जन्म में मिलता है या एक जन्म में मिलता है शूटिंग पीरियड में जो भी टाइटल मिलता है वही ड्रग ड्रामे में प्ले होता है जो टाइटल मिलता है वो अन्यायपूर्वक मिलता है या न्यायपूर्वक मिलता है तो पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए होंगे जिसके आधार पर आखिरी जन्म में संगम युग में आकर के पुरुष चोला मिलता है इसमें नीचे जाने की बात नहीं है ये होना चाहिए कि बुद्धि में ये बात आए
कि बाबा ने ये भी बोला है तो कुमार जो चाहे जो कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहे तो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और बुरे से बुरा करना चाहे तो बुरे से बुरा कर सकते हैं। अपनी अच्छाई को देखें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पुरुष का मतलब एक बार है ना, है बंधन में रहना है, एक बर है उनको बंधन में नहीं रहना पड़ता है। कन्या माताओं को कलयुग के अंदर में आकर के बंधन में रहना पड़ता है, नहीं तो चौराहे पर दिन रात स्वतंत्र होकर के नहीं रह सकते। और संस्कृत गीता में श्लोक है एक गलत दिया है, तो इसके सर्वे समारंभ काम संकल्प तो अच्छी तरह ज्ञान, उसमें ज्ञान नहीं लिखा है बाप, लेकिन ज्ञान तो जन्म है ना, योग को अग्नि कहा जाता है। तो संस्कृत गीता में एक गलत है, ज्ञान अग्नि भी है, ज्ञान तो अग्नि, ज्ञान को जल भी कहेंगे, ज्ञान तो अग्नि भी कहा जाता है, ज्ञान में अग्नि भी है। कैसा अग्नि बाण नहीं होता है? और वो कहना सही है बात है जी, ऐसा कहना सही है ना? हाँ जी, हाँ जी। चलो आधा घंटे का टाइम वार्तालाप का मिलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी बाबा, आयो कैसे सुनाने, आयो कैसे देखी में रुका है, वो भीम से बांधा, वो भीम से बांधा, उनकी जीवन की आदत आदत पाई है, उनके जीवन से है, वो भीम से बांधा, उनके जीवन से पाई है, तो बंधन कैसे छूटे, आदत पाई है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। बाकी ओखली से बांधा का मतलब ये है, बाबा तो बेहद में बोलते हैं, हद की ओखली की तो बात ही नहीं है। ये तो कोई आत्मा आत्माएं हैं जिनको ओखली के रूप में दे दिया है। ओखली में मुख्य रूप से चावल कूटे जाते हैं, चावल आत्मा की निशानी है, टीका चढ़ाते हैं, तो साथ में चावल निशानी लगाते हैं, चावल ओखली में कूटे जाने से पहले छिलके वाले होते हैं, ओखली में चावल कुटता है तो जैसे देवान का छिलका उतर जाता है, तो कोई आत्माओं की बात है। कहते हैं माता और पिता की लड़ाई होती है, बच्चे बीच में पिसते हैं, बच्चों की हालत खराब हो जाती है,
ऐसे ही बताया है कि कृष्ण को यशोदा ने वो खली से बांधा, एक जगह बंधा रहेगा तो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करेगा, नहीं तो चारों तरफ के उलाहने आते हैं यशोदा के पास, तुम्हारा कृष्ण का नैया ऐसा है वैसा है, तो कहानी बनाई दी है, एक ओखली से बांध दिया। अब सारी दुनिया की आत्माएं चावल मिसल तो हैं ही, मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है वहां भी ओखली मिसल बनाई दी है, लिंग रूप में बाप दिखाई दिए है, अब उसे मूसल कहो या लिंग कहो ओखली कहो जलाधारी कहो बात एक ही है। कवियों की अपनी अपनी उड़ान है, लाक्षणिक भाषाओं में बोलते रहते हैं, और सूरदास तो कवियों के शिरोमणि गाए हुए हैं, तो सूर सागर में उन्होंने ये कथा ये कहानी दिखाई दी है। ये माता पिता की लड़ाई के बीच में ये बच्चे पिसते हैं, ऐसे बुद्धि फ्री रहनी चाहिए, क्योंकि मुरली में तो बोल दिया एक शिव बाबा दूसरा न कोई, माता की तरफ भी बुद्धि क्यों जानी चाहिए। एक में बुद्धि रमी रहे, लेकिन प्रेसर जन्म के आदि है, चाहे ब्रह्मा कुमारियां हो चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियां हो, जाति तबका ऐसों का निकलता है जो अम्मा के पीछे ही पड़े रहते हैं, ब्रह्मा कुमारियां भी अम्मा 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 ब्रह्मा ब्रह्मा करते करते पिस गई, दुर्गति हो गई। अभी एडवांस में तो ये बीज हैं, वो बेसिक नॉलेज वाले हैं, ये एडवांस हैं, ये उनके भी बाप हैं, जब कलयुगी शूटिंग होती है अंत समय की, तो असुर संहारिणी के चंबे में सब आ जाते हैं, फालतू पिस मरते हैं। लेकिन ड्रामा कल्याणकारी है, जो भी होता है, कोई पहले आत्मा बनते हैं कोई बाद में आत्मा बनते हैं, कोई का छिलका देहबान का बहुत मजबूत होता है और कोई का देहबान का छिलका हल्का होता है, जन्म जन्मांतर इतने पाप नहीं किए हैं तो जल्दी निर्मल बन जाते हैं। ड्रामा बना हुआ है, माला के मणकों के नंबर तैयार होने हैं, एक नंबर से लेकर के 500-600 करोड़ नंबर हैं,
और सबके अंदर नंबरवार देवहन है और अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। साकार को पत्थर की ओखली के रूप में दिखाया है, माता के रूप में। और लिंग की भी चार अवस्थाएं दिखाई हैं। सत्युग आदि में गीरक लिंग, सत्युग में है स्वर्ण लिंग, त्रेता में है रजत लिंग, द्वापर में है ताम्र लिंग और कलयुग में पत्थर का और लोहे का बन जाता है या तो लक्कड़ बुद्धि बन जाता है। परंतु रूहानी बाप ने तो हमें रास्ता बता दिया, हम एक छोड़ा औरों में क्यों फंसे। तो कहानी बनाई हुई है ओखली और मूसल की। है सब संगम युग की बातें। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार का अंत और भारत शेष्टाचारी बनेगा। और एक वार्तालाप में कहा 76 में भाग की प्रतिष्ठा हुई, इसका मतलब ये नहीं उनका पूरा परिवर्तन। इन्होंने 5 विकारों को जीता, उससे बड़ा परिवर्तन क्या हो सकता है? और उनमें ऐसा कौन सी परिवर्तन आना बाकी? शूटिंग की बात भूल गए। कोई भी आत्मा चाहे बेसिक नॉलेज में आती है और चाहे एडवांस नॉलेज में आती है, पहले पहले सत्व प्रधान पार्ट बजाती है, बाद में सत्व से सत्व सामान्य, फिर रजो, फिर तमो होता जाता है। तो राम बाप की आत्मा भी जब एडवांस नॉलेज शुरू होती है तो सात्विक स्टेज में, निर्विकारी स्टेज में पार्ट बजाती है। उस समय की जो वाणी है, जो मुरलियां हैं, उनको गहराई से देखा जाए कितने उमंग उत्साह वाली है। वो ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता जाता है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। क्योंकि शूटिंग पीरियड में बाप को बच्चों के कनेक्शन में आना है। आज के बच्चे और अंत समय में उतरे हुए बच्चे, उनमें फर्क तो होता है ना। सुप्रीम सोल बाप को तो संग का रंग नहीं लगता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है राम और कृष्ण में, उनको संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा शूटिंग पीरियड में? तो संग का रंग लगता जाता है और आत्मा के सतो प्रधान से तमो प्रधानता की ओर जाने की शूटिंग होती जाती है। तो इसमें क्रॉस क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि बाप तो सतो प्रधान बन गया। बन तो गया, लेकिन शूटिंग का जो चक्र है वो चालू है और ये रिहर्सल जब तक फाइनल नहीं होती है, जब तक पूरी कर्मा की स्टेज नहीं आती है और सब बच्चों को बाप वापस ले जाएगा, कोई को छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए बाप की तो जिम्मेवारी है।
आग में दहकता हुआ ये शशि रूपी मकान है। उस कामाग्नि क्रोधाग्नि की अग्नि में जलते हुए सब बच्चों को निकालना है तो सेक तो जरूर लगता है। बाकी ये है कि बाप की प्रवेशता है, नजदीकी है, इसलिए कोई भी संग का रंग जल्दी धुल जाता है, परंतु टाइम तो लगेगा ना। बाबा, आंध्र प्रदेश को विभिन्न देश बोल करके एक नाम का आधार पर आंध्र प्रदेश को ग्रीनिंग का देश ग्रीनिंग का देश शिवलिंग एक दो तीन त्रिलिंग आंध्र प्रदेश को ग्रीनिंग का देश बोल करके एक नाम भी था, नाम भी है मुरली में आंध्र प्रदेश के और एक नाम भी है त्रिलिंग देश त्रिलिंग तीन लिंग का भी नाम कितने रखा है लिंग नाम कितने रखा वो आंध्र प्रदेश वाले ने रखा या कर्नाटक वाले ने रखा आंध्र प्रदेश तो स्टेट का नाम है लेकिन श्रीलिंग जो नाम दिया है वो कितने नाम दिया होगा कर्नाटक वाले दिया कर्नाटक वालों को क्या पड़ी ये श्रीलिंग नाम दे आंध्र प्रदेश को नहीं माता जी का कहना है कि आंध्र प्रदेश में तीन मिनी मधुवन बने इसलिए त्रिलिंग नाम कोई नहीं रख दिया होगा। अब चौथा अगर निकल आए तो है क्योंकि चौथा भी जल्दी खुलने वाला है तो फोर लिंग नाम रख दे एक अनंतपुर एक हैदराबाद एक टीपीगुडम और कोई चौथा निकल आए तो इसलिए जो भक्ति मार्ग की बातें बाबा ने बोली हुई है वो बसर है और बाकी सब भूख है। भूसे भूसे को उड़ाते रहो और बसर बसर को उठाते रहो है जब ताकत नहीं होगी तो हल्का ही होगा ना उड़ जाएगा इधर से उधर। और राम को रावण इसलिए बनना पड़ा राम को रावण इसलिए बनना पड़ा कि राम तप का बाप है। राम बाली यादव में तप का बाप है या नहीं है? जब सारी दुनिया का बाप है तो रावण का बाप होना चाहिए कि नहीं है? रावण का भी बाप होना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। जैसे भक्ति मार्ग में 84 लाख योनियों की बात आई है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है तो वो भी सब आत्माओं के ऊपर लागू नहीं होती।
क्योंकि और आत्माएं तो कम जन्म लेती है, ऑलराउंड पार्ट भी नहीं बजाती है, और राम की आत्मा तो ऑलराउंड पार्ट धारी है। इसलिए 84 लाख योनियों के जो भी कर्म हैं, वो सब कर्म करने वाली है। इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती है। फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। और इसके बच्चे को पीपल के पत्ते का अधिकार देता है, वो पीपल का पत्ता कौन है, गरीबा है या गरीबा? पीपल का पत्ता उसे कहा जाता है जो बहुत हिलता डुलता है। बहुत संशय और निश्चय, घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी संशय के संकल्प आते रहते हैं। सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के जन्म मरण के चक्र में कौन सी आत्मा आती है? हैं? ब्रह्मा की आत्मा। और वो आत्मा किसमें प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है? है? जगदम्बा में प्रवेश करती है और पीपल के पत्ते का पाठ बजाती है। जितने भी वृक्ष हैं, उन वृक्षों में एक पीपल का पत्ता ही ऐसा है जो थोड़ा भी हवा का झोंका आता है, नहीं भी आता है तो भी हिलता डुलता रहता है। और बहुत हल्का है, संसार सागर में पड़ा हुआ है जिसे विषय सागर कहा जाता है। विषय सागर में ऊंचे ऊंचे तूफान आते हैं, उन तूफानों में वो पत्ता के लिए गारंटी है कि वो हिलेगा डुलेगा, वो नैया डूबने वाली नहीं है, भले कितनी भी हल्की है, क्योंकि उसमें कृष्ण जैसी आत्मा बिठाई है और बाप उसका खेवैया है। कृष्ण वाली आत्मा माने ब्रह्मा की सोल उसमें बैठी हुई है, आराम से बुद्ध रूपी अंगूठा चूस रही है, गर्भ महल में पड़ी हुई है, कोई तकलीफ की बात नहीं, मनन चिंतन मंथन का अंगूठा चूसती रहती है। इसलिए कोई भय खाने की दरकार नहीं है, हिलने डुलने की बात नहीं है कि अब खेल खलास हुआ कि हुआ, अब देखेंगे कैसे चलता है। जैसे बेसिक नॉलेज में दुनिया वालों ने चैलेंज दिया है, इनका ब्रह्मा देखो चला जाए फिर क्या होता है, तो ब्रह्मा चला गया, अरे क्या ब्रह्मा कुमारी आश्रम बंद हो गया क्या, अभी भी चल रहा है? हाँ, एडवांस जब जोर पकड़ जाएगा, जैसे छत डाली जाती है, लेंटर डाला जाता है तो कच्ची छत बनाई जाती है, लेकिन लेंटर जब तक पक्का ना हो जाए पानी पीते पीते, तब तक कच्ची छत तोड़ी नहीं जाती है। और जैसे ही लेंटर पक्का हुआ और पानी पीना बंद कर देता है, वैसे ही कच्ची छत तोड़ दी जाती है।
ये बेसिक नॉलेज है कच्ची छत, और एडवांस नॉलेज है पक्का लेंटर। ये स्थापना हो जाएगी तो खलास हो जाएगा। सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त हो जाता है, उसको कहते हैं पूर्णमासी, पूर्णिमा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की माँ, ब्रह्मा वो भी संपन्न स्टेज को पा लेता है, 16 कला संपूर्ण बनता है। और जो माया मासी है वो भी अपना संपूर्ण रूप दिखाई देती है, फिर ज्ञान सूर्योदय हो जाता है। मुरली में एक मुरली पॉइंट है, कृष्ण का जन्म कब होगा जब आने को धर्म नहीं होगी। ये दो धर्मों की बात है, ब्राह्मणों की नौ पूरी मिलकर एक होने की बात। कृष्ण का जन्म अंदर वालों के लिए है या बाहर वालों के लिए? अंदर वालों की बात है, नौ पूरी को लाए हो। अंदर वालों में भी सूर्यवंशी संगठन के बीच में कृष्ण का जन्म होगा या ब्राह्मणों की नौ कुरियों के बीच में कृष्ण का जन्म होगा? सूर्यवंश के बीच में होगा। सूर्यवंश में भी जो पूर्वज आत्माएं हैं, हर धर्म की पूर्वज हैं, सिर्फ उनके बीच में होगा। बहुत बड़ा संगठन नहीं होगा। आज जो वासुदेव है वो अलग अलग धर्म से कनेक्टेड है, वो सब मिलकर एक होने के कारण संपन्न होने के बाद अलग अलग धर्म से कनेक्टेड रहेंगे क्या? नहीं, संपन्न होने के बाद एक हो जाता। अभी तो आखिरी जन्म का जो देहभान है, जिस देह में जन्म लिया है, वो देहभान का छिलका जब तक नहीं उतरा है तब तक की बात है। और धर्मों का हिसाब किताब पूरा होता रहता है। जब वो छिलका उतर जाएगा तो पक्के सूर्यवंशी बन जाएंगे। कृष्ण का जन्म तो सूर्यवंशी में ही होगा ना, और कोई दूसरे वंश में तो हो नहीं सकता। पहले क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉइंट है ना, प्रवेश करके कार्य करके बोलते हैं। उल्टा हो जाता है, मैंने उनको वहाँ पर कलयुग में ऊपर से आने वाले धर्म पिताओं ने नीचे वालों में प्रवेश किया। और जो नीचे वाले हैं वो आधीन रहते हैं अपने बाप बीज के। बीज बाप जो होते हैं वो उस समय कमजोर पड़ जाते हैं, और जिन आधार मूर्तों में ऊपर से आत्मा प्रवेश करती है वो पावरफुल हो जाती है। अब यहाँ उल्टा हो जाना है। अभी वो बीज पावरफुल दिखाई देंगे क्योंकि बीज रूप बाप के बच्चे हैं डायरेक्ट। इसलिए जैसे ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो तब तक पावरफुल है जब तक पूरा संघ का रंग नहीं लगता है।
पूरा ज्ञान का असर नहीं होता है। कोई भी प्रवेश करने वाली आत्माएं अभी भी देखी जाती हैं, बहुत हड़दंग मचाती है पहले पहले, और जैसे जैसे प्रवेश करके एडवांस ज्ञान को समझती जाती हैं, उनकी सात्विक स्टेज बनती जाती है और अपोजिशन करना बंद कर देती है। तो ऐसे ही है, वो रतन तो वास्तव में कमजोर आत्माएं हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा धारण नहीं करती, अधूरी नॉलेज लेती है। अगर वो भी पूरी नॉलेज ले लेवे तो अष्टदेव उनको कभी आकुपाई नहीं कर सकते, हरा ही नहीं सकते। लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ही ज्ञान देते हैं, जो रूहानी स्टेज को धारण करने वाले बच्चे हैं वो ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। ब्रह्मा माने अधूरा और विष्णु माने संपूर्ण, तो ब्रह्मा तो विष्णु बन जाएगा, वो तो संपन्न है ही है, उसको पलटने में देर ही नहीं लगेगी। झगड़ा चलता है रचयिता और रचना बाप पर, पार्टी के मुख्य है अष्टरतन, अष्टरतन एडवांस पार्टी के अपने अपने धर्म के मुखिया मुखिया है, एडवांस पार्टी के मुखिया नहीं है, इस्कॉन धर्म का मुखिया है, इस्कॉन धर्म का मुखिया बौद्ध धर्म का मुखिया, जो भी एडवांस पार्टी अभी चल रहे हैं, अलग अलग धर्मों के जो मुखिया है, मैंने जो हो रतन वो बेसी वाद में चल रहे हैं, एडवांस पार्ट में चल रहे हैं अभी, बेसी में क्या होंगे, एडवांस में चल रहे हैं, तो उनको अष्टदेव जाके अष्टरतन को सहयोग करेंगे, मतलब सेवा करेंगे और उनको उमंग उत्साह लेकर उमंग उत्साह उनको दे के उसका परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे ना। उमंग उत्साह देने वाली वो आत्माएं हैं जो शरीर छोड़ चुकी है, छोड़ चुकी है या छोड़ देगी बेसिक में, फिर प्रवेश करती है एडवांस पार्टी में। नहीं बोलते अष्टरतन जा, क्या अष्टरतन जा, अष्टरतन को परिवर्तन करते हुए बात है, उमंग उत्साह देना अलग बात है और प्लानिंग देना अलग बात है। जैसे मकान का मालिक होता है वो मजदूरों को और इंजीनियर्स को इंस्पिरेट करता है, मकान तैयार करो बनाओ, लेकिन बनाता नहीं है, खुद नहीं बनाता है। ऐसे प्लानिंग करने वाले अलग हैं और प्रैक्टिकल में बनाने वाले अलग हैं, पहले प्लानिंग पूरी हो फिर प्रैक्टिकल में बनाने का काम शुरू हो। बाबा दीदी आदि दोनों बहन बहन दोनों बहन है, दीदी के आखिरी बच्चे पैदा बच्चे पैदा, विधि कहते हैं खंडित को, जिसे बाबा कहते हैं अधर कुमारी, और एक है संपूर्ण कुमारी, कुमारी कन्या और अधर कुमारी,
ऐसे ही दो शब्द दे दिए हैं संस्कृत में, दिति, दिति माने अधर कुमारी, खंडित हुई कुमारी, और अदिति जो खंडित नहीं है। तो दिति से दैत्य पैदा हुए। विचार से होता है विनाश, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। तो दिति दैत्यों की दुनिया बनाने की मुखिया बन जाती है, माँ बन जाती है, और अदिति देवताओं की दुनिया बनाने की निमित्त बन जाती है। जो पवित्रता ज्यादा धारण करने वाली हो जन्म जन्मांतर की, वो देवताओं की पालना करने वाली बनती है। जो स्थापना करेगा तो पालना भी करेगा। और बच्चा क्यों रहता है? बच्चे आदि माने कब? पहले माने कब? आदि का मतलब सतयुग के आदि में, या आदि का मतलब यज्ञ के आदि में? हैं? यज्ञ के आदि में बच्चे नहीं थे, इसका पक्का प्रूफ तुम्हारे पास कैसे आ गया? हैं? क्यों, तुम्हें कैसे पता चल गया कि बच्चे थे या नहीं थे? बताया नहीं, लेकिन नहीं है ये कैसे पता? माँ बाबा के बारे में बच्चे ने बताया, और बच्चे हैं भी यही तक भी तो बिल्कुल जरूरी हो रही है। जिसका सार दुनिया बच्चा बनने वाली हो, उसे बच्चे की दरकार क्या है? एक मुरली पॉइंट है, आगे बच्ची के संग में आते तो है गुलाब जल डाला तो भाग जाता था, है? तो वो बच्ची कौन है? दो माताएं थी ना, तो बूढ़ी माताएं थी ना, भले बूढ़ी माताएं थी, भले बूढ़ी माताएं थी, लेकिन उन माताओं में भी ज्ञान में आने के बाद कोई पवित्र रहती है और कोई पवित्रता का पालन नहीं कर पाती उतना, तो किस में आवेंगे? पतित होगा उसमें आवेंगे, जो पावन होगा उसमें नहीं आवेंगे। माताओं को कन्या बना देते हैं और कन्याओं को माता बना देते हैं। नवरत्न की गायन और राष्ट्रीय की गायन करते हैं, नवरत्न के रूप में गायन करते हैं और राष्ट्रीय के रूप में गायन करते हैं। अष्टरत्न के रूप में गायन नहीं है, नवरत्नों का गायन है, अष्ट देवों का गायन है। हाँ, नवरत्न का गायन है और नवरात्रि का गायन है, नौ नारायण का गायन है, लेकिन पूजा नहीं है। नौवां जो है वो आर्य समाज से कनेक्टेड है, वैल्यूलेस धर्म है। जो नौ रत्न होते हैं उनमें वैल्यूलेस रत्न होता है पुखराज, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, औरों की कीमत दिखाने के लिए उसको रखा जाता है। हाँ जी, चलो।